Now next one, इस session में just cover करेंगे how to perform dynamic memory allocation using calloc function. जबकि previous function या previous videos के case में just memory allocation process discuss किया था using malloc functions. Clear? Just in that case working of calloc functions. अगर आपने malloc का process समझा देना आपके लिए calloc function easy steps में समझना possible. सबसे पहले calloc से related मैंने points को आदि इन points को आप copy कर लो. इसके just बाद मैं provide क्या कर रहा हूँ complete process about calloc functions. malloc और calloc के respect में आते हैं. calloc का working क्या almost same as malloc function excepting two differences. इसे malloc और calloc का process कैसा है almost same only mostly differences क्या हैं. जैसे malloc के केस में आपने देखा था जब भी malloc function के थ्रू आप कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दो देन बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता था ऑलवेज गार्बेज. लेकिन calloc के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहेगा ऑलवेज जीरो. क्लियर. सेकंड पॉइंट malloc इज अ वन आर्गुमेंट फंक्शन जबकि calloc का टाइप क्या है calloc इज अ टू आर्गुमेंट फंक्शन जबकि दोनों ही आर्गुमेंट का मीनिंग कैसा सेम एज malloc फंक्शंस. क्लियर. इस केस में malloc के डिक्लेरेशंस की बात करें सॉरी calloc के डिक्लेरेशंस की बात करें तो डिक्लेरेशन में इसका रिटर्न टाइप क्या है आल्सो void star. malloc के केस में रिटर्न टाइप क्या था void star. malloc फंक्शन जैसे रिटर्न क्या करता है एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस. सेम है calloc फंक्शन रिटर्न क्या करेगा बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी. क्लियर. लेकिन malloc के केस में कितने आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड थे जस्ट वन आर्गुमेंट. लेकिन calloc क्या है इट इज अ टू आर्गुमेंट फंक्शन. फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करोगे नंबर ऑफ आइटम्स. सेकंड आर्गुमेंट पास करो साइज ऑफ ईच आइटम्स. क्लियर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ malloc फंक्शन सपोज दैट malloc फंक्शन के थ्रू मुझे 10 इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट करना तो malloc के केस में जस्ट आप सिंटैक्स क्या राइट डाउन करते थे इन अ परफेक्ट वे. malloc सबसे पहले पास करें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. अगर आपको 10 इंटीजर्स रिक्वायर्ड है तो सप्लाई क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट. दिस इज द वे ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस यूजिंग malloc. जस्ट मल्टीप्लीकेशन किससे होता है साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स. क्लियर. इन केस ऑफ malloc सेम एज calloc के रिस्पेक्ट में बात करें calloc के केस में भी यूज क्या करोगे ऑलमोस्ट सेम थिंग्स. फंक्शन ने malloc के प्लेस पर जस्ट यूज क्या करेंगे calloc. बाकी मेमोरी सॉरी टाइप कास्टिंग एवरीथिंग कैसा होगा सेम एज malloc फंक्शन जस्ट मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ओनली आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास क्या करो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. अगर आपको 10 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है तो calloc में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के पास हो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास क्या करोगे साइज ऑफ ईच एलिमेंट. अगर आप 10 इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट करना चाहते हो तो सप्लाई क्या करो साइज ऑफ इंटीजर. चेक करो इस केस में अगर फर्स्ट केस में malloc को अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर दो malloc के केस में जस्ट पास क्या हो रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीज 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या है 2 तो फाइनली इस केस में पास क्या हो रहा है 20. इस केस में अगर बात करें फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है 10 और सेकेंड आर्गुमेंट पास करो साइज ऑफ इंटीजर. मीन्स इस केस में एलिमेंट्स का साइज और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स सेपरेटली पास हो रहे हैं एज आर्गुमेंट जबकि malloc फंक्शन के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ एलिमेंट्स सप्लाई कैसे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. मीन्स दोनों में इंफॉर्मेशन सेम पास हो रहे हैं ओनली डिफरेंस क्या है calloc के केस में सेम इंफॉर्मेशन सप्लाई हुआ है एज अ सेपरेट आर्गुमेंट. बाकी दोनों के सेम इनपुट्स रिक्वायर्ड है डिफरेंट इनपुट सेम इनपुट. फर्स्ट इनपुट क्या है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट. सेकेंड इनपुट क्या है साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स. क्लियर. वन मोर थिंग इस केस में टोटली कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे जस्ट 10 इंटीजर एलिमेंट्स. एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या हुआ जस्ट अगर आप इसको इंटीजर में स्टोर कराते हो तो इंटीजर में स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो टाइप कास्टिंग इनटू इंट स्टार. फाइनली इसको आसानी किस में करा लेंगे इंटीजर पॉइंटर में तो इंटीजर पॉइंटर एट ए टाइम कितनी बाइट्स पॉइंट करेगा जस्ट 2 बाइट्स. सपोज दैट ये 2 बाइट्स के ब्लॉक्स हैं. क्लियर लाइक दैट. नेक्स्ट वन अगर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 100 है मीन्स इसके अंदर कितने बाइट्स हैं 2. नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है 101. नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है 102 104 एंड सो ऑन. malloc के केस में आपने देखा था बाई डिफॉल्ट सभी एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यूज क्या था ऑलवेज गार्बेज. लेकिन calloc के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हुआ सभी एलिमेंट का ऑलवेज जीरो. क्लियर. इस malloc के केस में कभी भी कोई इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है जबकि calloc के केस में इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है ऑल एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड बाई जीरो. देन इस केस में चेक करो फर्स्ट malloc के केस में जस्ट malloc का वर्किंग क्या है malloc के केस में malloc का वर्किंग क्या है एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस. क्लियर ओनली वन. लेकिन calloc के रिस्पेक्ट मत करें calloc का वर्किंग क्या फर्स्ट वन एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस. नेक्स्ट वन परफॉर्मिंग इनिशियलाइजेशंस. क्लियर. इसे calloc फंक्शन
एलोकेशन के साथ साथ जस्ट परफॉर्म क्या कर रहा है, मेमोरी इनिशियलाइजेशन। तो कैलॉक और मेलॉक के केस में एलोकेशन के रिस्पेक्ट में दोनों स्टेप्स कैसे हैं, सेम ही सेम टाइम रिक्वायर्ड हो, लेकिन कैलॉक एक्स्ट्रा टाइम किसके लिए लेगा, जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पज। अगर इस केस में एग्जीक्यूशन प्रोसेस की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस केस में ग्रेटर परफॉर्मेंस कौन प्रोवाइड करेगा, मेलॉक और कैलॉक, जस्ट मेलॉक फंक्शन। क्योंकि कैलॉक के केस में रिक्वायर्ड क्या है, सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम रिगार्डिंग मेमोरी इनिशियलाइजेशन। मीन्स कैलॉक के केस में कोई इनिशियलाइजेशन टाइम रिक्वायर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में कभी कोई इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं होता, जबकि कैलॉक के केस में रिक्वायर्ड क्या हो, एक्स्ट्रा टाइम फॉर मेमोरी इनिशियलाइजेशन। इसलिए परफॉर्मेंस वाइज फास्टर परफॉर्मेंस किसका है, मेलॉक फंक्शन का कंपेयर टू कैलॉक। लेकिन मेलॉक के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या थे सभी प्लेसेस पर, जस्ट गार्बेज। कैलॉक के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज के जस्ट जीरो, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम एज मेलॉक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैलॉक के रिस्पेक्ट में जैसे बात करें, कैलॉक फंक्शन भी आपको रिटर्न क्या करेगा, इस कैलॉक के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, अगर मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ देन इसे रिटर्न क्या हुआ, एलोकेटेड प्लेस का बेस एड्रेस। जैसे करंट केस में एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस इस ब्लॉक का जस्ट 100, तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ 100। अदरवाइज अगर मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं हुआ या मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं, देन उस केस में रिटर्न क्या करेगा, जस्ट नल सेम एज मेलॉक फंक्शंस। मींस मेलॉक और कैलॉक में ओनली टू डिफरेंसेस हैं, क्या क्या, थ्री डिफरेंस कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस मेलॉक के केस में, मेलॉक क्या, मेलॉक इज अ वन आर्गुमेंट फंक्शन, जबकि कैलॉक क्या, कैलॉक इज अ टू आर्गुमेंट फंक्शंस। क्लियर, नेक्स्ट वन, जबकि दोनों केस में आर्गुमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे पास हो रहे हैं, सेम। मींस मेलॉक के केस में टू आर्गुमेंट इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सप्लाई हो रहा है, जबकि कैलॉक के केस में कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट्स के फॉर्म में पास हो रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स, सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करो, एज अ साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स और साइज ऑफ ईच ब्लॉक्स। क्लियर, नेक्स्ट वन, अदर डिफरेंस क्या है, मेलॉक के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या थे, ऑल एलिमेंट्स हैविंग डिफॉल्ट वैल्यूज गार्बेज, बट इन दैट केस और इन केस ऑफ कैलॉक फंक्शन ऑल एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड बाय जीरो। देन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो परफॉर्मेंस किसका हाई है, मीन्स मेलॉक फंक्शन विल प्रोवाइड्स ग्रेटर परफॉर्मेंस और हायर परफॉर्मेंस कंपेयर टू कैलॉक, बिकॉज कैलॉक के केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इनिशियलाइजिंग एलोकेटेड एलिमेंट्स। क्लियर, नेक्स्ट वन, इस फाइनली इस केस में बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम एज मेलॉक फंक्शंस। नेक्स्ट वन, मेलॉक के सॉरी कैलॉक फंक्शन के वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंपल एग्जांपल प्रोवाइड किया। ऐसे एग्जांपल के रिस्पेक्ट में मैंने मेमोरी एलोकेशन किसके थ्रू परफॉर्म करा, यूजिंग कैलॉक। फर्स्ट वन, जैसे इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, फर्स्ट स्टेटमेंट में जस्ट क्रिएट किया हुआ पॉइंटर वेरिएबल पी, तो पी जस्ट लोकल वेरिएबल है, इसलिए पी इटसेल्फ क्रिएट होगा इनसाइड स्टैक एरिया। सपोज दैट इस प्लेस का एड्रेस 1000 है, प्लस इसको मेमोरी मीन से मेमोरी एलोकेट किसके लिए हुआ, जस्ट पॉइंटर वेरिएबल पी इनसाइड स्टैक। मेलॉक मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, चाहे आप मेलॉक से कराओ, कैलॉक से कराओ, रियल लॉक से, ऑलवेज मेमोरी क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया, प्लस एलोकेशन प्रोसेस कैसा हुआ, सेम एज मेलॉक फंक्शंस। क्लियर, नेक्स्ट वन, सेकंड केस में जस्ट कॉल किया रहा कैलॉक, कैलॉक के केस में सप्लाई किया वन, तो इसका मतलब क्या, ओनली कितने आइटम एलोकेट करना चाहते हो, वन एलिमेंट। लेकिन ये सब इस सिंगल एलिमेंट का साइज क्या, साइज ऑफ इंट मीन्स 16 बिट सी कंपाइलर क्या पास होगा, टू। मीन्स इस केस में टू बाइट्स का एक सिंगल एलिमेंट क्रिएट हुआ, और बोल सकते हो टू बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट हुआ। अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस 100 है, मीन्स कितनी बाइट्स करने में, टू बाइट्स। सेकंड का एड्रेस क्या हो सकता है, 101, प्लस इस प्लेस ऑफ बाई डिफॉल्ट वैल्यूज कैसा होगा, जस्ट जीरो। इस केस में मीन्स मेलॉक के केस में आपने देखा था, मेलॉक के केस में मेमोरी स्पेस किस फॉर्म में क्रिएट हुआ था, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। लेकिन इस केस में आप लॉजिकली कंसीडर कर सकते हो एलोकेशन किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक और इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सेपरेटली पास हो, इसलिए और प्लस एलिमेंट का साइज इन्फॉर्मेशन भी आपका सेपरेटली अवेलेबल है। मीन्स इसका मतलब मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, प्लस सभी एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो। इस केस में वन एलिमेंट क्रिएट किया है, प्लस एलिमेंट का टाइप क्या है, केवल इसे इन्फॉर्मेशन के बेस पर टाइप ऑब्जर्व करना पॉसिबल। इसे एलिमेंट किस टाइप के फॉर्म में एक्सेस हो रहा है डिपेंड करेगा इसका एड्रेस किस टाइप के पॉइंटर में असाइन किया है। तो एड्रेस इंटीजर पॉइंटर में असाइन किया, इसका मतलब इसको एक्सेस करोगे एज अ इंटीजर लोकेशन। फाइनली कैलॉक फंक्शन भी रिटर्न क्या करेगा कॉलिंग प्लेस पर, एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस, मीन टू बाइट्स के ब्लॉक का जस्ट बेस एड्रेस क्या 100, तो इस प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा 100। 100 इंटीजर में टाइप कास्ट होने के बाद असाइन किस में जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल P. Now P is pointing this location. P इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, P इंटीजर पॉइंटर है, कितनी बाइट्स पॉइंट करेगा, 2 बाइट्स। इस लोकेशन का एड्रेस 100 है, इसलिए एड्रेस के रिस्पेक्ट में कंसीडर कर सकते हो लोकेशन है स्टार 100। सेम एज जिस लोकेशन का एड्रेस P में स्टोर होता है, उस लोकेशन का नेम क्या हो जाता है, स्टार P। क्लियर, इस P की बात करें तो P में क्या स्टोर है, एड्रेस, बिकॉज P इज अ पॉइंटर, एड्रेस क्या है 100। लेकिन P के केस में
स्टार पी की बात करें तो स्टार पी का करेंटली वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो। इसके जस्ट बाद चेक किया हम इस मेमोरी परफेक्टली एलोकेट हुआ है नहीं हुआ, तो पी के केस में पी में क्या स्टोर है डायग्राम के अकॉर्डिंग 100 इक्वल नल, नल मीन्स जस्ट जीरो, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के थ्रू जस्ट डिस्प्ले क्या कराया वैल्यू ऑफ स्टार पी, चेक कर सकते हो डायग्राम स्टार पी का वैल्यू क्या जस्ट जीरो, तो प्रिंट एफ से क्या डिस्प्ले हुआ जीरो। नेक्स्ट केस में स्टार पी में कैसा हुआ है जस्ट 10, स्टार पी मीन्स पी के प्लेस पर क्या जाएगा पी का वैल्यू 100, स्टार 100 इक्वल टू 10, स्टार 100 और स्टार पी कैसे सेम, इस प्लेस पर सेम आसान क्या जाएगा वैल्यू एज 10। नेक्स्ट टाइम अगेन वैल्यू टेस्ट करने के लिए डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ स्टार पी, तो अगेन क्या डिस्प्ले हो जाए वैल्यू ऑफ स्टार पी इज 10। क्लियर, इनिशियल वैल्यू क्या था गार्बेज और जीरो जीरो। अगर सेम है लोकेशन इसके साथ मैलॉक के थ्रू परफॉर्म करना चाहते तो ओनली चेंजेस क्या करो मैलॉक कैलॉक के प्लेस पर क्या जाए मैलॉक, 1, साइज ऑफ इंट के प्लेस पर क्या जाए 1 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट, बाकी सब कुछ कैसा रहेगा सेम। मैलॉक के रिस्पेक्ट में इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 0 और 10 एंड गार्बेज और 10, इनिशियल वैल्यू क्या आएगा गार्बेज देन 10 के प्लेस पर क्या आएगा नेक्स्ट टाइम क्या आएगा जस्ट 10। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन, ऑलमोस्ट इसके समय में डिफरेंसेस प्रोवाइड कर चुका हूँ, फिर भी सेपरेटली डिफरेंस के लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा नेक्स्ट सेशन।